नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। अयोध्या जनपद के थाना तारुण अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज रामपुर भगन में बालक बालिकाओं के साथ मिशन शक्ति यातायात जागरूकता और वृक्षारोपण कर उप निरीक्षक रणजीत यादव, प्रभारी चौकी रामपुर भगन के साथ महिला सिपाही रश्मि सिंह एवं महिला सिपाही संध्या दीक्षित एवं सिपाही मोहित कुमार ने नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति योजना के बारे में विधिवत जानकारी दी। मिशन शक्ति योजना के उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनाना है। रणजीत यादव ने स्वलिखित चुटकुला, कहानी और कविता के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए अपील की। स्कूल के बच्चों से हेलमेट न लगाने के बहाने भी पूछकर उन्हें खूब हंसाया भी। महिला हेल्पलाइन 1090 के बारे में महिला सिपाही संध्या दीक्षित ने प्रकाश डाला। इस मौके पर विद्यालय परिसर में पुलिस और छात्र छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए दो आंवला के पौधे भी रोपित किए गए। विद्यालय प्रबंधक की तरफ से चौकी प्रभारी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए जन जागरूकता सम्मान पत्र से प्रधानाचार्य विवेक कुमार श्रीवास्तव एवं सीवी पटेल के द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में प्रधानाचार्य द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर चौकी प्रभारी रामपुर भगन रणजीत यादव ने बच्चों को सफलता एवं सफलता जीवन के गुण सिखाए। संपूर्ण जीवन में इंसान की सामाजिक जागरूकता ही एक सफल जीवन का रहस्य है। अयोध्या स्टेट ब्यूरो ज्ञानचंद्र के साथ आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।